गुना से खबर, जहां टायर फटने से हादसा हुआ, वाहन में अचानक से भीषण आग लग गई और गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बचे हैं। दो युवकों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं गाड़ी में 5 से 6 लोग सवार थे। ग्वालियर से भोपाल पेपर देने के लिए युवक जा रहे थे। नेशनल हाईवे 46 पर यह हादसा हुआ है। गुना जिले के नेशनल हाईवे 46 पर एक गाड़ी का अनियंत्रित होकर के वो पेड़ से टकरा गई, जिससे गाड़ी में भीषण आग लग गई। हालांकि गाड़ी में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए और एक दो लोगों को हल्की चोटें आई हैं। ये बताया जा रहा है कि टायर फटने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया था और गाड़ी में करीब 5 से 6 लोग सवार थे, जो ग्वालियर से भोपाल पेपर देने के लिए जा रहे थे। और जैसे ये घटना होती है, देखिए पूरी कार जो है वो आग की चपेट में आ जाती है और बड़ा नुकसान इसमें होता है, लेकिन गनीमत रहती है कि जानमाल को नुकसान इसमें नहीं हुआ। टायर फटने के दौरान गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है, पेड़ से टकराती है और गाड़ी में आग लग जाती है। उमा भारती की पार्टी नेताओं को नसीहत, कांग्रेस का